किचन जोन चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट मोहम्मद आसिम। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है, अगर आप वफाकी मुलाजिम हैं तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हर साल 40,000 रुपए ले सकते हैं। इसकी मजीद जो डिटेल्स हैं वो इस वीडियो में मैं अब आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह का जो फायदेमंद कंटेंट है ये बर वक्त आपको मिलता रहे। जी तो दोस्तों, ये जो आपको 40,000 रुपए हैं ये आपको मिलेंगे फेडरल इंप्लॉयज बेनिफिटेड एंड ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से। ये जो फंड है गवर्नमेंट इंप्लॉयज, इसके लिए हर माह अपनी सैलरी में से कटौती करा रहे होते हैं, डिडक्शंस करा रहे होते हैं, इसके बगैर जो है आपकी सैलरी पास नहीं होती। अब ये जो 40,000 है ये आपको मिलता है आपके अगर दो स्टूडेंट्स हैं, दो बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, या दो बेटे हैं दो बेटियां हैं, तब आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चे के लिए या एक बच्ची के लिए आपको 20,000 रुपए का जो है वो स्कॉलरशिप मिलता है। उसके लिए अगर आप 17 ग्रेड से में हैं या इससे ऊपर किसी ग्रेड में हैं, तो आपका बच्चा पोस्ट मैट्रिक मतलब मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन मास्टर्स क्लास में जो है वो 80% नंबर से ज्यादा हासिल कर चुका हो। फिर बता रहा हूं, वो लोग जो 17 ग्रेड और इससे अबव में मौजूद हैं, लास्ट जो एग्जाम हुआ है वो चाहे मैट्रिक का एटलीस्ट मैट्रिक, अब जो 17 वाले उनके बच्चे के 9th में 8th में या स्कूल्स के जो एग्जाम है उसका नहीं मिलेगा उनको। फिर बताता चलो, उनको तब मिलेगा जब उनके बच्चे ने मैट्रिक या उसके बाद किसी क्लास में 80% से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, तब आपको 20,000 फी स्टूडेंट्स जो है या हर बच्चे का आपको मिलेगा। दो बच्चे अगर आपके हैं तो आपको 40,000 रुपए सालाना मिलेगा। अगर आपका बच्चा जो है आपका ग्रेड 17 से कम है, 5 to 16 है, फिर क्या होगा? फिर आप जो अदर कैटेगरीज है इसकी उसके लिए अहल है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए फिर मैट्रिक की शर्त भी नहीं है। छोटी क्लासेस में मतलब प्राइमरी से ऊपर का जो है 6, 7, 8 के अगर आपके बच्चे हैं और उन्होंने उस क्लास में 80% मार्क्स हासिल किए हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वो इम्प्लॉय जो दर्जा 4 में आते हैं या कैटेगरी 1 से लेके स्केल 1 से 4 के इम्प्लॉयज के बच्चे हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उनके लिए बच्चे का 1 क्लास से लेके मास्टर लेवल तक एमफिल तक जो है वो बच्चे जो है अगर किसी क्लास में भी 80% से ज्यादा नंबर हासिल करते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो पॉइंट है ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अप्लाई करने का क्या तरीका कार है, या वीडियो में आपको नीचे लिंक जो है वेबसाइट का जो है वो प्रोवाइड नजर आ रहा होगा, प्रोवाइड कर देता हूं। डिस्क्रिप्शन में भी ये जो लिंक मौजूद है, यहां आप लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको जो है एजुकेशन ग्रांट का स्कॉलरशिप का जो है वो फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको आप फिल करेंगे, अपने बच्चे के जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो लगाएंगे, जिस इदारे में आप पढ़ रहा है उसके प्रिंसिपल से साइन कराएंगे, अपने प्रिंसिपल से लेटर हेड लगवाएंगे, और फिर जो है आपका जो बच्चा अगर आप इम्प्लॉयज हैं पोस्ट ऑफिस में, तो आप तो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं भेजेगा, फिर आप अपने पोस्ट मास्टर जो हैं उनसे भेजेंगे, मतलब अपने डिपार्टमेंट से आप भेजेंगे इस डिपार्टमेंट को। इनका एड्रेस भी वेबसाइट पे भी मौजूद है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, आप उनको भेजेंगे ये फॉर्म, और वहाँ से फिर ये जो है आपका 2 से 3 माह प्रोसेस में लगते हैं, आपका ये चेक आएगा। मेरा ये जो चेक है वो ऑलरेडी आ चुका है, दिसंबर में मैंने अप्लाई किया था, फर्दर जो डॉक्यूमेंट्स उनको रिक्वायर्ड थे वो उन्होंने फिर मार्च में मुझसे लिए, और अब जो है एक बेटी मेरी जो है वो मैट्रिक क्लास से, और मैं आपको मालूम है 17 ग्रेड में हूँ, तो
उनका जो है 20,000 का आ चुका है। अगर आपके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वहां पे फुल फीस रिम्बर्स हो जाती है। एटलीस्ट आपने जितने लेट्स सपोज के 1,00,000 रुपए फीस भरी थी यूनिवर्सिटी की, तो उसके जो ड्यूज है वो पूरे के पूरे आपको जो है वो वापस मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये कंटेंट आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द जितने भी जो लोग हैं वफाकी मुलाजमीन हैं उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा दें, शायद किसी का जो है रिस्क हलाल वो आप भी उसमें सहूलतकार बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह।